तो एक बार फिर से मैं रोहन वेलकम करता हूं आप सभी का हमारे चैनल के ऊपर, जो कि आपको WWE की लेटेस्ट एंड फ्रेश अपडेट्स प्रोवाइड करता है और इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट चैनल जरूर है। तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दो। तो जो अपकमिंग रॉक एपिसोड होगा वो होगा WWE का गो होम शो फॉर रॉयल रंबल 2020। और आपको बता दूं, अपकमिंग रॉक एपिसोड के लिए ऑलरेडी WWE की तरफ से काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें कंफर्म हो चुकी हैं, लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कौन कौन से सेगमेंट वहां पर हमें दिखाई देने वाला है, क्या कुछ प्रोबेबिलिटी है, क्या रे मिस्टीरियो बन पाएंगे 3 times यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन या फिर नहीं, ब्रॉक लेसनर वहां पर क्यों आ रहे हैं, जॉन सीना किस तरीके से डिक्लेयर कर सकते हैं वो है रॉयल रंबल के पेपरव्यू में, कौन सा होगा 4th टीममेट सामोआ जो केविन ओवेंस एंड बिग शो का, इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे। तो यार ये वीडियो बहुत कमाल की होगी एंड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले बात कर लेते हैं कौन हो सकता है वो 4th मेंबर जो कि हेल्प करेगा बिग शो, केविन ओवेंस एंड सामोआ, जो कि हमने देखा किस तरीके से पिछले हफ्ते मेन इवेंट में जब फिस्ट फाइट चल रही थी और अचानक से हमने देखा बिग शो जैसे ही जीतने वाले होते हैं आ जाते हैं बडी मर्फी रिंग के अंदर, जो कि एलिस्टर ब्लैक से 4th या 5वीं बार हारने के बाद बहुत ज़्यादा अपसेट होते हैं और यहाँ पर वो हेल्प करने लग जाते हैं सेथ रॉलिंस के, और उसके बाद वो बिग शो को एक लो ब्लो भी लगा देते हैं। बात रहती है कि भाई ये तो हो गया काम, अब यहाँ पर अब बिग शो का साथ कौन देने आएगा, सामोआ जो का साथ कौन देने आएगा, केविन ओवेंस का साथ कौन देने आएगा इन स्टेबल के खिलाफ। तो आपको बता दूं ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि रे मिस्टीरियो हमें पार्ट बनते हुए नजर आ सकते हैं इनके 4th मेंबर का, और बिग शो आपको बता दूं ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं है और जो बडी मर्फी हैं वो लंबे टाइम तक हैं सेथ रॉलिंस एंड नियोपी के साथ। तो यहां पर कुल मिला के कहूं तो रे मिस्टीरियो ज्वाइन करेंगे और जैसे ही बिग शो लीव करेंगे कुछ ही दिनों बाद, या फिर हो सकता है रेसल महीने के बाद बिग शो लीव कर दें लेकिन स्टिल इन दोनों की रेगुलरी चलती रहे, तो इसके बाद भी हमें रे मिस्टीरियो साथ देते हुए नजर आने वाले हैं केविन ओवेंस एंड सामोआ जो का एओपी सेथ रॉलिंस एंड बडी मर्फी के खिलाफ। और आपको बता दूं जो अपकमिंग रॉ के एपिसोड में यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप का मैच कंफर्म हुआ है, यहां पर ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि रे मिस्टीरियो एक बार फिर से यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन बन जाए, और इस मैच को रखने के सिर्फ 2 रीजन है WWE के। पहला ये कि वो जो शो की व्यूअरशिप है उसे बढ़ा सके, और अगर आपको नहीं पता बता दूं जो अभी रॉ का एपिसोड निकला है वहां पर जो व्यूअरशिप है वो काफी ज्यादा कम आई है WWE की, और एक फुटबॉल का कॉम्पिटिशन होता है उसके बराबर WWE की व्यूअरशिप आई है, तो कहीं ना कहीं काफी धक्के वाली चीज थी WWE के लिए, इसलिए उन्होंने पहला तो ये मैच कंफर्म किया ताकि व्यूअरशिप ऊपर जा सके। और सबको बता दूं इस मैच के बाद ही अंड्राडे और रे मिस्टीरियो की राइवलरी खत्म हो जाएगी, और इस मैच के बाद हमें यह भी पता लग जाएगा कि अंड्राडे का नेक्स्ट चैलेंजर कौन होने वाला है। तो कुल मिला के एक न्यू चैलेंजर के लिए जो कि अंड्राडे के लिए आएगा वो इस मैच के बाद ही हमें पता लगेगा, और रे मिस्टीरियो की राइवलरी उनके साथ यहीं पर हमें खत्म होती हुई नजर आने वाली है। अब अगली अपडेट के बारे में बात कर लें या फिर अगले मैच के बारे में बात कर लें जो कि रॉक एपिसोड में होगा, और ये होगा बॉबी लैशली एंड लाना वर्सेस रूसेफ एंड लिव मॉर्गन के बीच। हमने देखा भाई किस तरीके से अचानक से क्या होता है, लिव मॉर्गन आती है, उन्हें लगता है कि वो मदद कर लेंगे रूसेफ के, लेकिन उसी कारण डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं रूसेफ, और रूसेफ को बॉबी लैशली यहाँ पर हरा देते हैं, और उसके बाद हम देखते हैं किस तरीके से बॉबी लैशली एंड लाना यहाँ पर सेलिब्रेट भी करते हैं। अब क्या होगा अपकमिंग रॉ के एपिसोड में, तो आपको बता दूं ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि WWE किसी न किसी तरह इन दोनों सुपरस्टार्स का एक बार फिर से मैच हमें दिखाई देगी, यानी कि एक और मिक्स टैग टीम मैच हमें दिखाई देगा WWE के रॉयल रंबल के पेपर व्यू में, और हो सकता है ये जो मैच है कोई डिस्क्वालिफिकेशन में एंड हो जाए या फिर रूसेफ एंड लिव मॉर्गन हमें इस मैच में जीते हुए नजर आए, जिसके बाद फ्रस्ट्रेशन के कारण बॉबी लैशली एंड लाना एक और मैच हमें मांगते हुए नजर आए इन दोनों के खिलाफ, और एक और मिक्स टैग टीम मैच हमें दिखाई देगा कुल मिला के कहूँ तो रॉयल रंबल के पेपर व्यू में भी, और ये होगा मंडे नाइट रॉ का रीमैच। अब बात कर लें द बीस्ट इनकॉर्नर ब्रॉक लेसनर की रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि भाई अचानक से ब्रॉक लेसनर की 3 बारी रिटर्न WWE ने कंफर्म कर दी है, और आपको बता दूं बेस्ट की अपडेट्स आ रही हैं जो ब्रॉक लेसनर हैं वो हमें अपकमिंग रॉक एपिसोड में एक सुपरस्टार से कन्फ्रंट होते हुए नजर आएंगे। अब वो सुपरस्टार होंगे स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर, यानी कि ड्रू मैकइंटायर आएंगे, वो यहां पर वार्निंग वगैरह देंगे ब्रॉक लेसनर को कि मैं तुम्हें रॉयल रंबल में करूंगा इलेमिनेट, रॉयल रंबल को जीतूंगा और उसके बाद तुमसे फेस करूंगा रेसलमेनिया में और तुम्हारी WWE चैंपियनशिप को मैं छीन लूंगा। ऐसे कुछ सेगमेंट हमें WWE किसी ना किसी तरह दिखाई कि अपकमिंग रॉक एपिसोड में, या फिर आपको बता दूं ऐसा भी हो सकता है कि पॉल हेमन खुद ही इस बात को टीज कर दें कि चाहे ड्रू मैकइंटायर से कोई बंदा आ जाए वो भी ब्रॉक लेसनर को नहीं हरा सकता है, और उसके बाद अचानक से स्कॉटिश साइकोपैथ ड्रू मैकइंटायर वहां से हमें आते हुए नजर आए। तो कुल मिलाकर तो WWE यहां पर कुछ ना कुछ ऐसा दिखाएगी जिससे ये बात टीज हो सके कि ब्रॉक लेसनर का अगला अपोनेंट कौन सा होगा, चाहे वो ड्रू मैकइंटायर हो चाहे वो कोई और WWE सुपरस्टार हो। ये तो बात रही कंफर्म मैचेस के, लेकिन अब बात कर ले सबसे बड़े क्वेश्चन के बारे में जो कि आई थिंक सो आप सभी के माइंड में जरूर होगा, और वो ये कि भाई जॉन सीना कब रिटर्न करेंगे और क्या वो अपकमिंग रॉक के एपिसोड में आएंगे और इस बात को अनाउंस करेंगे कि वो रॉयल रंबल के पेपर व्यू में है या फिर नहीं, या फिर एक उनकी सरप्राइज रिटर्न हमें रॉयल रंबल के पेपर व्यू में दिखाई देगी। तो आपको बता दूं फिलहाल की ऐसी अपडेट्स हैं कि जॉन सीना रॉक के एपिसोड में तो बिल्कुल नहीं आने वाले हैं, बात रही उनके रिटर्न के बारे में रॉयल रंबल के पेपर व्यू में, तो ऐसी अपडेट्स आ रही हैं कि WWE कहीं ना कहीं रॉयल रंबल के
पर व्यू के लिए जॉनसन है वो तो 100% कंफर्म करेगी। लेकिन अब बात आती किस तरीके से कंफर्म होगा, तो आपको बता दूं हो सकता है हमें स्क्रीन पर अचानक से जॉनसन के ग्राफिक क्लिप दिखाई दे, आई मीन ग्राफिक क्लिप तो नहीं एक रिकॉर्डेड क्लिप दिखाई दे, और उस क्लिप के अंदर हमें दिखाया जा रहा हो किस तरीके से जॉनसन कहते हैं कि भाई रॉयल रंबल के पेपर व्यू के लिए वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और वो आने वाले हैं रॉयल रंबल के पेपर व्यू के 30 मैंस रॉयल रंबल मैच में। या फिर ये भी हो सकता है हमें जैसे रॉ का एपिसोड खत्म होता है उसके अगले दिन ही WWE अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के थ्रू या फिर जॉनसन खुद भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट के थ्रू रॉयल रंबल का पोस्टर वगैरह डालकर इस बात को टीज करते हुए नजर आए कि वो आने वाले हैं रॉयल रंबल के पेपर व्यू में, और WWE भी उनका जो स्टेटस है खुद ही कंफर्म करते हुए नजर आए। तो ये थी फिलहाल की अपडेट्स जॉनसन को लेकर एंड अपकमिंग रॉ के एपिसोड को लेकर आप सभी के लिए। उम्मीद करता हूं आपको डिटेल्ड वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, तो नीचे अगर वीडियो को लाइक जरूर कर देना। आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हो आपको कैसे लगी आज के वीडियो एंड अपकमिंग रॉ के एपिसोड के लिए आप लोग एक्साइटेड हो या फिर नहीं। इसके अलावा कर सकते हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑन, ताकि आगे भी आपको WWE से रिलेटेड ऐसी कुछ इंटरेस्टिंग एंड फ्रेश अपडेट चैनल पर मिलती रहे। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।